भटियात क्षेत्र की कुंडू पंचायत के तहत बना महात्मा गांधी बैडमिंटन इंडियन स्टेडियम प्रदेश भर में मनरेगा के तहत बना आदर्श निर्माण बनकर उभरा है। बहुत ही उम्दा तरीके से बना यह स्टेडियम प्रदेश की पंचायतों के लिए आदर्श बन चुका है। इसकी उच्च गुणवत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, इसकी छत की पैनलिंग तथा फ्लोर टाइलिंग इस प्रकार की गई है, इसमें खेलने के दौरान आवाज तक नहीं गूंजती। बताते चलें कि 70 लाख रुपए के बजट से निर्मित इस स्टेडियम में 47 लाख रुपए मनरेगा, 10 लाख रुपए सांसद निधि तथा 10 लाख रुपए योजना मद के तहत खर्च किए गए हैं। प्रदेश के इस बेहतरीन तथा मनरेगा के तहत बने एकमात्र बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने किया था। भटियात के विधायक विक्रम जरियाल ने बताया कि भटियात में खेलों को बढ़ावा देने के तथा इसे आदर्श बनाने के मार्ग में यह निर्माण एक मील पत्थर है, जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान आकर्षित किया है। इसके लिए उन्होंने खंड विकास अधिकारी बशीर खान के प्रयासों की सराहना की। इन्हीं आदर्श कार्यों के चलते हमीरपुर जिला के विकास खंड हमीरपुर भोरंज बिचड़ी तथा कांगड़ा जिला के कांगड़ा नगरोटा बागवा तथा धर्मशाला विकास खंड की पंचायतों के 60 प्रतिनिधियों ने यहां पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित एक्सपोजर विजिट के तहत दौरा किया। प्रतिनिधि मंडल ने इस स्टेडियम की खूब सराहना की। बताते चले कि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ के तहत प्रदेश में उच्च कोटि के निर्माणों को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक्सपोजर विजिट करवाए जाते हैं। इस प्रतिनिधि मंडल में पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, कनिष्ठ अभियंता, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे। इस दौरान इस दौरे को पंचायती राज विभाग द्वारा प्रायोजित किया गया था तथा प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ के प्राचार्य ने इस एक दिवसीय प्रशिक्षण भ्रमण की अध्यक्षता की। प्रतिनिधि मंडल ने ग्राम पंचायत कुर्नू द्वारा निर्मित महात्मा गांधी बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम का दौरा किया व इससे प्रेरणा लेकर अपनी पंचायतों में भी इस तरह के भवन बनाने का प्रण लिया। इस आलिशान व उच्च गुणवत्ता से निर्मित भवन को देख प्रतिभागियों ने प्रधान ग्राम पंचायत कुर्नू करमचंद व कनिष्ठ अभियंता भवनेश कुमार की खूब प्रशंसा की। इसके अलावा प्रतिभागियों ने विकास खंड मुख्यालय में विश्राम गृह, बैठक कक्ष, कॉन्फ्रेंस हॉल व अन्य भवनों का दौरा किया। इस दौरान पंचायती राज संस्थान के प्राचार्य ने खंड विकास अधिकारी भटियात डॉक्टर बशीर खान की कार्यप्रणाली की खूब प्रशंसा की व उनके नेतृत्व में ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों को किसी भी विकास खंड के लिए मील का पत्थर बताया। इंडोर हॉल से आसपास की 8-10 पंचायतों को और भटियात पूरे क्षेत्र को और नगर पंचायत ज्वाड़ी और यहाँ पे जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उन सबको फायदा मिलेगा। इसका जो संचालन है वो स्थानीय स्तर पे जो लोकल लोग हैं उनकी एक कमेटी है भटियात बैडमिंटन क्लब, वो इसका संचालन करेगी, वो इसको रखरखाव भी करेगी। इसकी मेंबरशिप बेस पे लोगों को यहाँ पे जो भी खेलने के इच्छुक हैं उनको मौका दिया जाएगा और स्कूल के कॉलेज के बच्चों को मौका दिया जाएगा ताकि अपनी प्रतिभा को तराश सके और नशाखोरी से भी बच्चे और युवा दूर रह सके। तो ये ग्राम पंचायत कुटनू की तरफ से बहुत अच्छी पहल है और इस तरह का जो भवन है प्रदेश में मेगा कन्वर्जेंस में इंडोर स्टेडियम ये पहला बना है जो भटियात क्षेत्र में है और ग्राम पंचायत कुटनू के द्वारा बना है।